उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन के दो हफ्ते बाद भी लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने यह अनुमान लगाया है कि उत्तराखंड में आई आपदा में लापता हुए लोगों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो सकती है। वहीं एनडीएमए के चीफ एम शशिधर रेड्डी के मुताबिक बद्रीनाथ से 1350 लोगों को निकाला गया है और 3500 लोग अभी भी लापता हैं। रेड्डी ने कहा कि मरने वालों की संख्या 580 है। एनडीआरएफ ने केदारनाथ से 8634 लोगों को बाहर निकाला है, जिसके बाद अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेड्डी का कहना है कि आंकड़ों के मुताबिक लापता लोगों की संख्या 3500 से 3700 तक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने एनजीओ के साथ मिलकर जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक ये आंकड़ा 11,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। उत्तराखंड में दर्जनों बस्तियों को बर्बाद होने से रोका जा सकता था, हजारों जाने बचाई जा सकती थी, हजारों घर बचाए जा सकते थे और बचाया जा सकता था इस सुंदर इलाकों को तबाह होने से, अगर उत्तराखंड सरकार वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद चेत गई होती। देश के वैज्ञानिकों ने प्रलय आने के घंटों पहले ही उत्तराखंड सरकार को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि बादल फटने वाले हैं, प्रलय आने वाला है, बचा सको तो बचा लो। लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत का मजाक उड़ाने वाले बहुगुणा साहब को वैज्ञानिकों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों में प्रलय को साफ साफ आते देखा, ऐसी तस्वीर शायद उन्होंने कभी देखी थी। फौरन उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उत्तराखंड की सरकार और एनडीएमए को भेजी, लेकिन सरकार सोती रही और एनडीएमए ने रिपोर्ट देखी नहीं। नतीजा अब सबके सामने है। उत्तराखंड की तबाही की यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ये तस्वीरें हैं सोनप्रयाग की, जहां अलकनंदा नदी ने देखते ही देखते सारे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। मोबाइल से ली गई ये तस्वीरें 17 जून की है। ये तस्वीर बिजनौर के एक शख्स मोहम्मद फैयाज ने ली है। जिस बाजार को छोड़कर फैयाज भागा था, वहां पर अलकनंदा अपना कहर बरपा रही थी। देखिए, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां देखते ही देखते पानी की धारा में बह गई, कार किसी रेत की तरह नदी में समा गई, तो बस भी नदी के उफनती लहरों में डूब गई। उत्तराखंड में आपदा के 16 दिन बीत जाने के बाद आज से एयरफोर्स अपना रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर सकती है। सेना के मुताबिक अब करीब 500 लोग ही बचे हुए हैं, जिन्हें बद्रीनाथ से निकालना बाकी है। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते हुए अपने 8,000 जवानों की मदद से बाकी बचे लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी रहेगी, जबकि आईएएफ का अपना रेस्क्यू ऑपरेशन आज खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि 17 जून को भारी बारिश के बावजूद आईएएफ के हेलीकॉप्टर ने 2192 बार उड़ान भरी थी और करीब 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया था, जबकि पिछले दो हफ्ते में सेना के जवानों और हेलीकॉप्टर ने करीब 37,000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। उत्तराखंड में आई आपदा से करीब 60,000 लोग प्रभावित हुए थे। इस आपदा से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 12,000 सेना के जवानों के साथ आईएएफ और बीआरओ की टीम को काम पर लगाया था। उत्तराखंड में आई भयानक आपदा ने हजारों लोगों की जानें ले ली हैं, लेकिन इस आपदा के पीछे की वजहों का पता सीधे तौर पर अभी तक नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर देश भर में वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। इन्हीं में से एक वाडिया भूविज्ञान संस्थान के निदेशक अनिल गुप्ता इसके पीछे केदारधाम के ऊपर स्थित चोराबरी ग्लेशियर को मानते हैं। गुप्ता के मुताबिक 16 तारीख को भारी बारिश और ग्लेशियर के ऊपर जमे बर्फ की वजह से ही केदारनाथ में भयानक आपदा आई, और जो ग्लेशियर टिल थी, जो ग्लेशियर डेवरी थी, उस डेवरी ने जो है सबसे अधिक तबाही की, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही अधिक। केदारनाथ में शवों के अंतिम संस्कार का मामला सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहां पड़े शवों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी वहां जाने से कतरा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए केदार घाटी गई दोनों टीमें भी लौट आई हैं। केदारनाथ में सैकड़ों शव 15 दिनों से पड़े हुए हैं। अब तक 100 से भी कम शवों का ही अंतिम संस्कार हो पाया है, बाकी शव यूं ही पड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए 200 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। अगर केदारनाथ में बिगड़े हुए शवों को इसी तरह नजरअंदाज किया गया तो पूरी केदार घाटी में महामारी फैल सकती है, जिससे निपटना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड में हुई भारी तबाही में अपनों को तलाश रहे लोगों की उम्मीदें अभी भी टूटी नहीं है। अहमदाबाद से केदारनाथ जाने वाले कुछ खुशनसीब तो लौट आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी खबर आज तक उनके अपनों को नहीं मिली है। अहमदाबाद के रहने वाले भरत भाई शाह की बहन और उनकी बेटी भी केदारनाथ में आए सैलाब के चलते कहीं खो गई हैं। अपनी बहन और भांजी की सूचना देने वाले को भरत शाह ने 5,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। भरत की 15 जून को आखिरी बार अपनी बहन से बात हुई थी, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। भरत की बहन ऊषा 22 लोगों के साथ केदारनाथ में दर्शन के लिए गई थी, जिनमें से 16 लोग अभी भी लापता हैं। तो वो भैरव टेकरी हमें मिल रहा है लास्ट लोकेशन, लेकिन उसके बाद हमने बहुत कोशिशें करी उनसे संपर्क करने की, लेकिन उनके मोबाइल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद के भोपाल शर्मा की पथराई आंखें आज भी अपने बेटे बहू पोते और दामाद की राह तक रही हैं। भोपाल शर्मा के परिवार में 6 लोग चारधाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन आज तक उनका कुछ आता पता नहीं है। 10 जून को यह परिवार अपने ड्राइवर के साथ चारधाम की यात्रा के लिए निकला था। परिजनों के मुताबिक 15 जून को उनकी आखिरी बात हुई थी, जिसके बाद न तो बात हुई और न ही आज तक उनका कुछ आता पता चला है। लेकिन ड्राइवर 3 दिनों तक इंतजार करने के बाद लौट आया, क्योंकि वो लोग ड्राइवर को पहाड़ी के नीचे छोड़कर गए थे। अब इनके रिश्तेदार इनकी तलाश में उत्तराखंड गए हैं, लेकिन उन लोगों का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए।
उत्तराखंड में हुई तबाही ने कई लोगों को अपनों से जुदा कर दिया है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनका आता पता ही नहीं है। कोटा के विज्ञान नगर और जवाहर नगर के रहने वाले अग्रवाल परिवार का इंतजार आज भी बेसब्री से हो रहा है। इस परिवार के 11 लोग लापता हैं। इन परिवारों के परिजनों को उम्मीद है कि परिवार के सभी सदस्य लौट कर आएंगे। अग्रवाल परिवार की 16 तारीख को केदारनाथ से रवाना होते वक्त ही परिजनों से बात हुई थी, जिसके बाद इनका पता नहीं चल पा रहा है। केदारनाथ दर्शन करके वहाँ से 16 तारीख को सुबह रवाना हो, मुझे फोन आया था कि मैं रवाना हो रहे, पानी आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद से उनका कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड में आए प्रलय के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक बहकर आई 32 लाशें बरामद हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने नदियों के किनारे पड़ने वाले थाने को अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से ही आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के जरिए आने वाली लाशें सबसे ज्यादा इलाहाबाद में मिली हैं। इलाहाबाद के संगम में जहां गंगा और यमुना एक साथ मिलती है, वहां अब तक 8 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि कुछ लाशें बहकर आगे निकल गई हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से 4, बुलंदशहर में 6, पीलीभीत में 3, बिजनौर और हापुड़ में 2-2 और संभल में भी 1 शव नदी में बरामद हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। उत्तराखंड से 15,000 गुजरातियों को निकालने के मोदी के बयान पर नीतीश ने कहा कि वो रैम्बो नहीं है जो फंसे लोगों को निकाल ले आए। नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को खबरों में बने रहने के लिए बयान देने की आदत पड़ गई है और बीजेपी को तो छपास की आदत है ही। नीतीश ने गठबंधन टूटने के नतीजे पर शायराना जवाब देते हुए कहा कि कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, ये तो जिंदगी है, ये तो मौत की अमानत है, कल किसने देखा है, इसलिए किसकी और किसकी नहीं परवाह करते, लेकिन हम निर्णय के शिकार नहीं होते। सोमवार शाम एनआईए को खबर मिली कि मुंबई सेंट्रल से अंगाड़िया सर्विस वाले गुजरात मेल से हवाला के जरिए करोड़ों कैश लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद एनआईए और इनकम टैक्स की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो करोड़ों रुपए से भरा कार्टून और बड़े बैग देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एनआईए और इनकम टैक्स ने कार्रवाई करते हुए रुपए को सीज कर इनकम टैक्स दफ्तर ले आई है। सूत्रों के मुताबिक 4 टेम्पो में करीब 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए होने का अनुमान है। 4 टेम्पो में से करीब 150 बैग रुपए से भरे मिले हैं। इस मामले में इनकम टैक्स ने 47 लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक आज 11 बजे के बाद इन रुपए को गिनने का काम शुरू किया जाएगा। ये रुपए मुंबई से अहमदाबाद कौन और क्यों ले जा रहा था, इनकम टैक्स इन बातों की जांच में जुट गई है। भारत ने अपने पहले नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A का प्रशिक्षण इसरो के PSLV-C22 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। इसरो के मुताबिक IRNSS 1425 किलोग्राम वजनी A1 इंडियन रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का पहला उपग्रह है। इस उपग्रह को 10 साल के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। उपग्रह अपनी सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र संबंधी सभी आंकड़े सटीक तौर पर देगा। ये इसरो का PSLV का 24वां मिशन होगा। ये उपग्रह आपदा प्रबंधन और नौ सैनिकों के बेड़े के लिए मददगार साबित होगा। गुजरात के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अब गुजरात के एडिशनल DGP PP पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने PP पांडे की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि उनके सामने जो FIR की गई है वो गलत है और उसे रद्द किया जाए। गौरतलब है कि यह मामला CBI की मुंबई स्पेशल क्राइम यूनिट ने दर्ज किया है। अब पांडे को 31 जुलाई तक सरेंडर करना होगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 15 जून 2004 को इशरत सहित 4 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया था। मुठभेड़ के दौरान पांडे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में संयुक्त पुलिस आयुक्त पद पर तैनात थे। 4 जुलाई तक CBI इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी और माना जा रहा है कि चार्जशीट में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह समेत कई आला पुलिस अधिकारी के नाम शामिल हो सकते हैं। सपनों के शहर में अपने ख्वाबों को पूरा करने आई तस्वीरों में दिख रही है ये पल्लवी झा। पल्लवी पेशे से एक वीडियो एडिटर थी और TV सीरियल के कादर खान प्रोडक्शन के लिए एडिटिंग किया करती थी, लेकिन बीती रात पल्लवी ने अपने सपनों और अपनों को भूलकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाली पल्लवी दिल्ली के ही शैलेंद्र कुमार नाम के लड़के से प्यार करती थी और 6 महीने पहले दोनों की मंगनी भी हुई थी, लेकिन मंगनी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र पल्लवी को परेशान कर रहा था, उसे दिन रात टॉर्चर करता था, साथ ही शादी के लिए उसे पल्लवी से दहेज की फरमाइश भी की। पल्लवी की मां ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शैलेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने पल्लवी के मंगेतर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस ने बैंकों के ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड की नकल करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए गिरोह के सदस्य असली कार्ड के नकली क्लोन तैयार कर उससे पैसे निकालने का गोरख धंधा किया करते थे। पकड़े गए तीनों आरोपियों में बालकृष्ण, आशीष और जयवर्धन है। ये सभी इंटरनेट पर गूगल के जरिए मिली जानकारी और कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही MSR नाम की प्रतिबंधित मशीन के जरिए लाखों के व्यारे न्यारे में जुटे थे और अनजान लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा रहे थे।
पटना सिटी के बिजनेसमैन विद्यापति द्विवेदी उस बच्चा बाबा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 29 जून को दोपहर में ही बिजनेसमैन की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस पूरे मामले को लीपापोती करने में लगी थी। पुलिस ने बिजनेसमैन की मौत की वजह ब्रेन हैमरेज बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने की बात सामने आने के बाद अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिरकार एनआरआई बिजनेसमैन को गोली किसने मारी। पुलिस को बच्चा बाबा के कमरे से गोली का एक खोखा भी मिला है। पटना के एसएसपी इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेजे उनकी हत्या की गई, किसने हत्या की है उनके हम लोग। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान का नया दौर शुरू हो गया है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर हमला बोला। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि क्या किसी ने संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को आपदा प्रभावित उत्तराखंड का दौरा करते और वहां के लोगों के साथ सहानुभूति जताते देखा। ऐसा उस पार्टी की ओर से है जो कांग्रेस नेताओं के दौरे की आलोचना करती है। जवाब में सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि हम उत्तराखंड नहीं गए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि हमारे दौरे से बचाव कार्य प्रभावित होंगे। उत्तराखंड सरकार स्थिति से निपटने में विफल रही है। मुंबई के सबसे लंबे ब्रिज ईस्टर्न फ्रीवे के नाम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज ठाकरे की एमएनएस चाहती है कि ब्रिज का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा जाए। वहीं आरपीआई और एनसीपी इस ब्रिज का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की मांग के साथ सड़कों पर उतर आई है। साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ने वाला ईस्टर्न फ्री वे ब्रिज 1200 करोड़ की लागत से बना और उसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर है। इस ब्रिज के जरिए मुंबईकर घंटों का सफर मिनटों में तय कर रहे हैं। खूबियों भरे इस ब्रिज पर भी मुंबई में राजनीति गर्मा गई है। ब्रिज का नाम शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के नाम पर रखे जाने के लिए एमएनएस ने सीधे मुख्यमंत्री चौहान से मांग कर दी है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम खुद को इन बातों से अलग रखना चाहते हैं। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड मामले में गिरफ्तार सूरज पंचोली को जमानत मिल गई है। जिया के बॉयफ्रेंड सूरज को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50,000 की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने सूरज का पासपोर्ट जब्त कर लिया है, साथ ही सूरज को नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगाने का आदेश भी दिया है। अदालत में फैसले के वक्त सूरज के पिता आदित्य पंचोली और